Hello friends, today we will discuss Fitter Trade SAM 1 MCQ, right? आज हम Fitter Trade के SAM 1 के MCQ study करने वाले हैं और ये MCQ interview में भी पूछे जाते हैं और आपकी Fitter Trade finish होने के बाद जब exam देने आप जाते हैं तो वहाँ पे भी safety के related MCQ आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेफ्टी एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू है फायर कॉज्ड बाय वुड पेपर और क्लॉथ। जो जनरल प्रकार की आग होती है, जैसे लकड़ी में आग लग जाना, कपड़े में आग लग जाना, घास फूस में आग लग जाना, तो जनरल फायर, राइट, फायर कॉज्ड बाय वुड पेपर और क्लॉथ, ऐसी आग में हम कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, कौन से फायर बॉटल, तो जिसपे ए लिखा हो, राइट, तो क्लास ए फायर, कौन सी फायर, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर जब वुड पेपर और क्लॉथ। नेक्स्ट है, अगर आग जब लग जाती है फ्लेमेबल लिक्विड, अब पहले क्या था, लकड़ी था, पेपर था, क्लॉथ था, अब है जैसे कोई लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड है, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल, फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विडेबल सॉलिड, सॉलिड है लेकिन उसमें आग लग सकती है, जैसे सच एज गैसोलीन ऑयल, ग्रीस, पेंट, तो इन सब आग में ऐसे अगर ऐसे प्रकार की आग लग जाती है तो हमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, तो क्लास बी, राइट, जिसके ऊपर बी ड्रॉ किया है। यहां हम देखेंगे ए, राइट, जनरल प्रकार की आग है तो ए प्रकार का सिलेंडर हम लेंगे, और अगर लिक्विडेबल सॉलिड है, फ्लेमेबल लिक्विड है, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल गैसोलीन ऑयल ग्रीस पेंट, ये सब में जब आग लग जाती है, पेट्रोल पंप पे आप देखोगे तो वहां पे क्लास बी, लाल जो सिलेंडर होता है फायर का, वहां बी लिखा होगा, राइट, तो क्लास बी फायर। फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है, जैसे पैनल बोर्ड में आग लग गई, राइट, तो जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है तो वहां पे हमें कौन सा सिलेंडर, कौन से बोतल का यूज करना चाहिए, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर का, तो क्लास सी, कौन सा, क्लास सी। तो हम आइडेंटिफाई, वहां पे हम ए का नहीं इस्तेमाल कर सकते, बी का नहीं इस्तेमाल कर सकते, इलेक्ट्रिकल आर्क्स जहां लगी है, राइट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, तो वहां पे हमें क्लास सी का यूज करना पड़ेगा, दिस इज द क्लास सी फायर। ओके, फायर टू कंबस्टिबल मेटल, कितनी मेटल होती है जो आग लग सकती है उन मेटल में, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो वहां पे हम डी, क्लास डी फायर, उसको हम क्लास डी फायर में रखेंगे, और वहां पे हमें कौन सा सिलेंडर यूज करना है, डी, जिसपे डी इंडिकेट किया हो, राइट। इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग मशीन रनिंग, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, कोई मशीन चालू है और अचानक वहां पे प्रॉब्लम आ गया, तो सबसे पहले आपका दिमाग में जो विचार आएगा क्या करना है, तो वहां पे एक इमरजेंसी के लिए लाल बटन दिया होता है, राइट, तो हमें उस लाल बटन को प्रेस करना है, प्रेस रेड बटन इन फ्रंट। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ 5S, राइट, तो 5S कंसेप्ट इंडस्ट्री में मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस 5S इन इंडस्ट्रियल एरिया, तो 5S हम इंप्लीमेंट क्यों करते हैं, 5S इंप्लीमेंट करते हैं फॉर रिड्यूस वेस्ट, टू मेंटेन प्रॉपर वर्क प्रोसेस, हमें वेस्ट को रिड्यूस करना है और वर्क प्रोसेस को प्रॉपर मेंटेन करना है, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, 5S, राइट। रीजन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, शरीर में घाव लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग होता है, राइट, तो इंटरनल ब्लीडिंग हमें दिखता नहीं है, तो इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होता है, सेपरेशन ऑफ पार्ट फ्रॉम बॉडी, राइट, कोई बॉडी में अंदर जो पार्ट है वो सेपरेशन हो जाता है, तो सेपरेशन ऑफ पार्ट फ्रॉम बॉडी, इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होता है, कई बार इंटरनल ब्लीडिंग से आदमी मर भी जाते हैं। आग लगना, आग लगती है किस प्रकार, राइट, आग लगने में कौन से तीन ऐसे पदार्थ है जो ना हो तो आग नहीं लगेगी, राइट, उसमें से एक को रोक दिया जाए तो भी आग नहीं लगेगी, तो
तो वो तीन प्रकार, तीन चीज मिलने से आग लगती है, तीन चीज ऐसी है जो मिलने से आग लगती है। तो पहले फ्यूल होना चाहिए, ज्वलनशील फ्यूल, राइट, कि वो आग लगने लायक है, फ्यूल, राइट। और फ्यूल है लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो आग नहीं लगेगी। तो ऑक्सीजन, और फिर क्या जरूरी है, टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर। तो फ्यूल है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर है तो आग लगेगी, क्या होगा, फायर। लेकिन अगर हम इसमें से ऑक्सीजन को रोक देंगे तो फ्यूल और टेम्परेचर होगा तो आग लगेगी, नहीं लगेगी क्योंकि हमने ऑक्सीजन को रोक दिया। तो इसी तरह ये तीन चीज एक होंगे तो ही आग लगेगी, फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, आज हमने सेफ्टी एमसीक्यू देखे जो सेम वन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में सेम वन का ही अगला टॉपिक हम लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।